शहीद तो और भी हजारों हैं, लेकिन शहादत हुसैन की चर्चे इतने क्यों हैं? शहादत हुसैन की बड़ी अहमियत है। उसकी पहली वजह यह है कि इमाम अली मुकाम के फैसले ने पूरे दीन के निश को डिफाइन करना था। आप उस वक्त अथॉरिटी फिगर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी इंडिविजुअल बंदे के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आयद नहीं हुई कि उसका फैसला पूरे दीन की आइडियोलॉजी के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। दूसरी वजह यह थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहादुरी का एक नया स्टैंडर्ड दुनिया को दिखाना था। उससे पहले दूबदू लड़ाइयों में, जंगों के अंदर असहाबे रसूल जुर्रत, दिलेरी और बहादुरी के अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स कायम कर चुके थे। खैबर में, तबूक में, यरमूक में, जस्ट इमेजिन, मौला अली शेर खुदा तलवार से वार करते हैं, आहन खुरदर जर्रा बख्तर चीर के बंदे के दो टुकड़े हो जाते हैं। हजरत तलहा दुश्मन के लश्कर में घुसकर उनका जर्नैल उठा के ले आते हैं, और जर्नैल भी वो जिसके बारे में वो कहते थे कि हजार बंदों के बराबर अकेला है। एंड जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ हजरत खालिद बिन वलीद, आपने 9 तलवारें तोड़ दी एक ही जंग के अंदर, कितनी ताकत होगी। और आपके वो डायलॉग्स पढ़ के देखें, दुश्मनों पे हैबत तारी कर देते थे। तो अब के अल्लाह ने कहा कि एक नया स्टैंडर्ड दुनिया को दिखाया जाएगा, बहादुरी का, दलेरी का, शुजात का और राजी बिल रजा का। इसलिए पैरामीटर्स बदल दिए, एंगल भी बदल दिया। अब जरा गौर से सुनी कि शहादत हुसैन जो है वो इतनी अहमियत की हामिल क्यों है और उसका इतना चर्चा क्यों है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, वला नबलु अन्नकुम बिशय्यिम मिनल खौफ वल जूई वनक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात। ये 5 बेसिक हेड्स हैं, ये 5 आजमाइशें हैं जो अल्लाह बंदों पर डालता है। अब मैं खौफ से आजमाता हूँ, भूख से आजमाता हूँ, औलाद के, जानो माल के खौफ से, ये 5 हैं। दुनिया में 6ठी आजमाइश एग्जिस्ट नहीं करती। एक टाइम पे एक बंदे के ऊपर एक आजमाइश आती है, फिर अल्लाह ताला एक लंबा सा वक्फा देते हैं ताकि बंदा हील कर जाए, क्योंकि बंदा इतने जोगा नहीं होता। लेकिन जो उसके साथ बड़ी मोहब्बत करने वाले होते हैं ना, जो उसके बड़े करीबी हैं, जो दोस्त हैं, उन पर 2 भी डाल देता है। जैसे सब्र अय्यूब में 2 से ज़्यादा कभी किसी पर नहीं डाली है। लेकिन इमाम हुसैन के केस में अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात ने 5ों की 5ों आजमाइशें इकट्ठी डाल दी, दरमियान में कोई वक्फा नहीं है, इकट्ठी 5ों की 5ों आजमाइशें डाल दी हैं। यह दुनिया के बड़े बड़े हीरोज जिनकी दास्तानें लोग सुनाते हैं, ये बेबीलोनियंस, कसीडियंस, बनू कुद नजर, हकामंशी, ये रोमन एम्पायर्स वाले, पर्शियन एम्पायर्स वाले, 2 हेड्स अल्लाह डाल देता ना, मैदान छोड़ के भाग जाते। इधर 5 के 5 हेड्स अल्लाह ने डाल दिए इमाम अली मुकाम के ऊपर, और रिजल्ट देखा है, इमाम का आखिरी सजदा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस क्लैरिटी के साथ अपने परवरदिगार की तरफ भर रहे हैं। और आपकी वो दुआ सुने आप, आपको कन्फ्यूजन का शायबा तक नजर नहीं आएगा। इस लिहाज से इमाम हुसैन इंतहाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ये बड़ा जरूरी था कि इमाम हुसैन इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देते, क्योंकि जन्नती जवानों के सरदार डिक्लेयर कर दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब आने वाले जो टुचे लोग ने साढ़े मुआशरे के या दाएं बाएं के लोग, वो कह देते हैं कि ये तो इस्लाम में तो बड़ी निपोटिज्म चलती है कि इमाम हुसैन इसलिए जन्नती जवानों के सरदार हैं क्योंकि रसूलुल्लाह के नवासे हैं, इस बेस के ऊपर ये तो निपोटिज्म में होगी इस्लाम के अंदर। अल्लाह ने कहा नहीं, परफॉर्म करके दिखाएंगे ये कि क्यों जन्नती जवानों के सरदार हैं और क्यों अहले बैत अतहार एक अजीब जो है वो, मैं कहता हूँ कि ये मैन्युफैक्चरिंग अल्लाह ताला की एक अजीब है। ये जो 5 हेड्स है ना, कोई और बंदा उन्हें बियर नहीं कर सकता था सिवाय खानवादा रसूल के, यही बियर कर सकते थे क्योंकि इनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून था। आम बंदा नहीं बियर कर सकता। आम मोबाइल है ना, इसको 20 एम्पीयर का करंट है तो इसका पटाखा चल जाना है, इसने फट जाना है। तो वो इतनी आजमाइश और इतना बड़ा स्टैंडर्ड जो है ना, वो सिर्फ यही सेट कर सकते थे जिनके रगों में रसूलुल्लाह का खून था। बाकी और कोई सेट नहीं कर सकता था इतनी बड़ी एग्जांपल। बाकी दुनिया के जो बड़े बड़े लोग समझते हैं कि हमारी तहजीबों में बड़े बड़े हीरोज हैं, टच भी नहीं कर सकते, छू के भी नहीं गुजर सकते। तो 2 बेसिकली वजह थी, एक वो फैसला एक ही बंदे के ऊपर फैसला था, पूरे के पूरे दीन का फ्यूचर डिफाइन होना था। दूसरा, इमाम हुसैन की शहादत में अल्लाह ने 5ों के 5ों हेड्स डाल दी। अब समझ आई है कि शहीद तो और भी बड़े हैं, लेकिन इस तरह का शहीद और कोई नहीं हो सकता, और इसलिए इमाम हुसैन की शहादत के चर्चे हैं। चलो, तमाम शुक्र है, समझ आ गई है।